नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य, वाक्य की विशेषता, वाक्य के घटक और फिर वाक्य के भेद की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य, वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान देना है कैसे शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे, तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। वाक्य के लिए वाक्य की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि शब्द जो हो वो सार्थक। पहला, शब्द सार्थक हो दूसरा क्रमबद्धता हो शब्दों में क्रमबद्धता हो तीसरा क्रमबद्धता का मतलब क्रमबद्ध रूप से हो। ऐसा नहीं कि एक शब्द यहां लिख दिए, एक यहां लिख दिए, एक यहां लिख दिए और एक यहां लिख दिए तो वो वाक्य हो गया, तो वाक्य नहीं होगा। राम एक अच्छा लड़का है, अगर इस तरह से है तो व्याकरण इसे वाक्य नहीं मानता, क्योंकि एक शिरोरेखा में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता है कि शब्द जो हो शब्दों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, और तीसरा है कि एक ही शिरोरेखा में व्यक्त हो। एक ही शिरोरेखा मतलब पंक्तिबद्ध। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यहां देखिए एक ही शिरोरेखा के अंतर्गत एक ही पंक्ति में इसे लिखा गया, इसलिए ये वाक्य है। तीसरी, चौथी विशेषता जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वाक्य ऐसा हो जिसमें जिज्ञासा को समाप्त करने की क्षमता हो। जिज्ञासा को समाप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। जिज्ञासा समाप्त करने की क्षमता होनी चाहिए का मतलब, जैसे कि एक उदाहरण के रूप में लेते हैं, कोई व्यक्ति यह कह देता है कि राम पढ़ ही रहा था कि, और यहां पर वो समाप्त कर देता है, तो एक
जिज्ञासा बनी रह जाती है, मन में एक कौतूहल बना हुआ रह जाता है कि राम पढ़ रहा था तो क्या हुआ, है ना, सोहन आ गया, बिजली चली गई, या कहीं किसी तरह की दुर्घटना हो गई, कोई अनहोनी हो गया, क्या आखिर क्या हो गया, ये मन में जिज्ञासा बनी रह जाती है। राम पढ़ ही रहा था कि बिजली चली गई, तब जाकर के ये वाक्य पूरा होगा और सही वाक्य होगा। तो वाक्य की विशेषता है कि उसमें सार्थकता, शब्दों की सार्थकता होनी चाहिए। दूसरा, शब्दों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तीसरा, एक ही शिरोलेखा में होना चाहिए। चौथा, जिज्ञासा को समाप्त करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यह है वाक्य की विशेषताएं। आइए अब हम बात करते हैं वाक्य के तत्व का। वाक्य के तत्व यानी, या यूं कहें कि वाक्य के घटक, वाक्य के घटक, वाक्य के घटक या तत्व, वाक्य के तत्व अथवा वाक्य के घटक। घटक कहने का तात्पर्य है या तत्व कहने का तात्पर्य है वाक्य की वो चीजें, वाक्य के वो पहलुए जिसके अभाव में वाक्य नहीं बन सकता, जो किसी भी वाक्य के निर्माण में उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो वह है क्या, उसे हम कहते हैं वाक्य का घटक। किसी भी वाक्य के निर्माण में उसकी जरूरत पड़ती ही है। तो वाक्य के दो घटक है, वाक्य के कितने घटक, तो दो, वाक्य के दो घटक है, दो घटक, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो घटक हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी कर्ता कह सकते हैं, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट कहा गया है। तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह है उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह है विधेय। है, जैसे राम एक मोटा लड़का है, राम एक मोटा लड़का है, किसके बारे में कहा जा रहा है, मोटा लड़का कौन है, तो राम है, किसके बारे में कहा गया, तो राम के बारे में कहा गया। तो राम जो हुआ वो उद्देश्य हुआ, राम उद्देश्य हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ, और राम के बारे में क्या कहा गया है, तो राम एक मोटा लड़का है। राम के बारे में कहा गया है कि एक मोटा लड़का है, तो ये जो हुआ ये हुआ विधेय, ये हुआ विधेय, है ना, यानी जिसके बारे में कहा जाए
क्रिकेट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। आइए तो ये हमने समझा वाक्य के आवश्यक वाक्य की विशेषताएं और वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक हैं जिसके अभाव में वाक्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती, वाक्य के निर्माण नहीं किए जा सकते, और वह है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कहते हैं जिसके बारे में कहा जाए, और विधेय जो कहा जाए, है ना। उद्देश्य प्रायः सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और विधेय क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग वाक्य के भेद के। वाक्य के भेद जो है वो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, लेकिन वो अर्थ के आधार पर आपको क्लास 10 में नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वह है 3, है ना। वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा गया है, यानी जिस वाक्य में मात्र एक ही क्रिया हो और वो क्रिया भी प्रधान हो, यानी जिस वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे राम आया, मोहन गया, सीता हंसी, रीता रोई। तो ये जो हुआ राम आया ये सरल वाक्य है, मोहन गया यह भी सरल वाक्य है, सीता हंसी यह भी सरल वाक्य है, रीता रोई यह भी सरल वाक्य है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और वो क्रिया ही उसके प्रधान क्रिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो वाक्य जो है वो सरल वाक्य कहलाते हैं, साधारण वाक्य कहलाते हैं। जब और जब योजक अव्यय और अथवा बल्कि जबकि इत्यादि से दो शब्द खंडों को, दो उपवाक्यों को जोड़ करके वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और जब की, अन्यथा, अतः इत्यादि लगा हुआ हो तो हम उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बेटे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य,
अपवाक्य की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि बिजली बार बार आ जा रही है, परेशानी हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।